हाँ भाई पाउडर गली ले लो। इधर है साहब। अरे गोरेगांव ईस्ट फिल्म सिटी रोड। अच्छा हाँ। नमस्कार मुरली। नमस्कार। और नमस्कार बड़ो क्या ला असला से जो अब्दुल बैठ जा। क्या हुआ पोपटलाल ऐसे क्यों देख रहे हो? तो और क्या करूं, सोसाइटी का एक में वो सेक्रेटरी सोडा पीने के लिए लेट आ रहा है, तो और किसी को क्या बोल सकते हैं भाई पोपटलाल। सोसाइटी का कोई नियम नहीं है कि सोडा पीने के लिए इस टाइम पे आ जाना चाहिए। नियम नहीं है तो नियम बनाओ। ये हर बार का क्या नाटक है देर से आने का? क्या भाई क्या नाटक कौन कर रहा है इधर? अरे कमाल करते हो यार पोपटलाल। मैं यहाँ सोडा शॉप पे ठहाकों की बैटिंग करने आया हूँ और तुम हो के आते मुझ पे बाउंसर फेंक रहे हो यार, हुआ क्या है? वाह वाह ठहाकों की बैटिंग बाउंसर क्या बात है। ओ भाई क्या वाह 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 वाह। हम लोग रोज टाइम पे आ जाते हैं सोडा पीने के लिए और आप लोग रोज लेट आते हो। हाँ तो फिर टाइम पर आने का क्या मतलब, यहाँ आकर आप लोगों का वेट करने का। ओहो तो ये बात है। क्या हुआ पोपू, आज किसी भी मैनेज ब्यूरो से फोन नहीं आया क्या? क्या बड़ा उखड़ा उखड़ा है ना तू? देख सोड़ी पहले से ही मेरे दिमाग का दही हो गया, तू मुझे और परेशान मत कर। अरे वाह अब्दुल फटाफट चक्कर निकाल, आज सोडा नहीं अपने पोपू का जो दिमाग का दही हुआ ना उसकी लस्सी बना के पिएंगे। आप भी शामिल होगा इन लोगों के साथ? मुझे सोडा पीनी ही नहीं है, मैं जा रहा हूँ। अरे पोपटलाल वी ऑल आर जोकिंग, अरे रिलैक्स। इस तो रूट के जाने वाली कौन सी बात हो गई भाई? ओ पोपू हम लोग तो सब मजाक कर रहे थे यार। कूल कूल लाइक अ सोडा। अरे यार पोपटलाल हम लोगों का इतना भी हक नहीं है कि तुमसे मजाक कर सके। अरे मजाक की भी हद होती है मेहता साहब। अरे पोपू शांत हो जा, चल। नहीं नहीं सॉरी मुझे जाने दे, जाने दे। अरे मान गया यार। नहीं जाने दे मुझे। ओ यारो क्या मजाक बना के रखा है पोपू का? हम में से कोई भी कभी भी पोपू का मजाक नहीं बनाएगा। नहीं 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 कोई भी नहीं मतलब कोई भी नहीं और कभी भी नहीं। कभी भी नहीं मतलब कभी भी नहीं, बिल्कुल नहीं। टाइम फिक्स कर लेते हैं दिन में 3 बार, सुबह दोपहर शाम, चलेगा ना बाबू? चलेगा भाई। कैसे चलेगा पोपू, तुमने इतना भारी हाथ से रख दिया कंधे पे। जाने दे सोड़ी मुझे जाने दे। समझो यार मजाक चल रहा है यहाँ पे, तुम्हारे साथ मजाक कर रहे हैं भाई। हाँ पप्पू हम लोग जैसा मजाक कर रहे हैं। ओ आजा आजा यार जब भी माले। और तुझे तो पता ही है हम गोकुल धाम वाले यानी मस्ती धाम वाले हैं यार, मस्तियां करते रहते हैं। आप लोगों को मजाक करने के लिए हमेशा मैं ही मिलता हूँ, हमेशा मेरा ही मजाक उड़ाते हैं। अरे पोपटलाल हम सब लोग तुमको बहुत प्यार करते हैं इसलिए तुम्हारा मजाक करते हैं। हाँ और नहीं तो क्या। अच्छा ठीक है अभी हमने पोपटलाल के साथ मजाक किया है ना तो इसकी सजा हमें मिलनी चाहिए। अरे नहीं चाहिए, बिल्कुल मिलनी चाहिए। और इसकी सजा ये है अब्दुल आज का सोडा पोपटलाल की तरफ से। सुधरोगे नहीं सुधरोगे? हम कैसे सुधर सकते हैं? इमरजेंसी आ गई तो उनको पेशेंट को देखने जाना पड़ सकता है, लेकिन जेठालाल का क्या करे? अरे उसका कुछ नहीं हो सकता, इन उन राजा ने निर्णय किया है, वह अपने आप को किंग समझता है। लेकिन जेठालाल है कहाँ? अब्दुल तुमने सोसाइटी में आते हुए देखा जेठालाल को? नहीं भिड़े भाई आते हुए देखा नहीं। कमाल है हम लोग यहाँ पे जेठालाल कर तो रहे लेकिन भाई साहब कहाँ है वो पता ही नहीं है। आ जाएगा। बंद हो गया बस।
अरे क्या हुआ नट्टू काका? काका सेठ जी फोन ही नहीं उठा रहे हैं। अच्छा अच्छा कोई बात नहीं, फिर से ट्राई कीजिए, उठा लेंगे। क्या है नट्टू काका? सेठ जी कल बहुत सारे लोगों को पेमेंट करना है। हाँ तो पेमेंट चेक से करना है और चेक बुक खत्म हो गई है। हाँ तो अभी इसमें मैं क्या करूँ? तो सेठ जी आप चेक बुक याद से लेकर आना। कहाँ से? घर से। किसके घर से? आपके घर से सेठ जी। हा? इस बार गलती से घर का एड्रेस डाल दिया है तो बैंक वालों ने घर के एड्रेस पे चेक बुक भेज दी है। तो काका ऐसे गलती आप कैसे कर सकते हैं? यू आर राइट सेठ जी, ऐसी गलती मैं नहीं कर सकता, ये गलती आपने की है। हाँ सेठ जी, ये गलत एड्रेस गलती से आपने डाला था, कल याद करके चेक बुक लेके आना। हाँ ठीक है भाई, ठीक है। बागा जी नट्टू काका, हम दोनों नहीं होते तो सेठ जी का क्या होता? बराबर है नट्टू काका, चलिए अब सो जाते हैं। अच्छा अच्छा। घर से दुकान जाते जाते काम, शाम को दुकान से घर आते आते काम, काम काम काम, काम ने तो परेशान कर दिया है। अरे साहब काम है तो अच्छा है ना, बिना काम के कितनी तकलीफ होती है हमसे पूछिए। साहब पढ़ लिख के ग्रेजुएशन किया फिर भी काम नहीं मिला, ये काम भी बहुत मुश्किल से मिला है। अरे साहब आपके पास काम है तो अपने आप को सुखी मानो ना, दुखी क्यों हो रहे हो? हाँ हाँ भैया ठीक है, तुम रिक्शा चलाओ जल्दी पहुँचाओ मुझे। चलो भाई जेठालाल तो आज आने से रहा, कौन सोडा पिला रहा है? कमल अभी बोला ना इसने कि सोडा मेरी तरफ से। कुंवारे आदमी की क्या याददाश्त भी कमजोर होती है। वाह 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 क्या एक्टिंग है। अरे लो लो जेठालाल आ गया। अरे आ गया अपना यार आ गया। वेलकम वेलकम टू अवर ब्यूटीफुल कोकुलधाम सोसाइटी। नहीं नहीं छोड़ी याद नहीं, आज मैं बहुत थक गया हूँ, आज सोडा नहीं पीने सीधा घर जा रहा हूँ। क्या घर जाता हूँ भाई, हम कब से यहाँ जेठालाल जेठालाल कर रहे हैं और तुम आकर बोल रहे हो कि घर जाना है सोडा नहीं पीनी। वो ऐसे नहीं चलेगा जेठापरा, सोडा तो पीके जाने पड़ेगा। चलो चलो आ जाओ आ जाओ, उतरो उतरो उतरो। कितना हो भाई? अरे नहीं नहीं मैं दे रहा हूँ भाई। नहीं नहीं मैं सिर्फ पूछ रहा हूँ। आ भाई आओ जेठालाल आओ, सब इंतजार कर रहे हो, आ जाओ आ जाओ। उपकार करो, ऐसे सोडा मत पियो प्लीज। अरे इसमें उपकार, हाँ उपकार ही कर रहा हूँ, बस जा शांति रखो। मत करो उपकार मत करो जेठालाल, तुम्हारे बिना भी हम लोग सोडा पी सकते हैं, तुमको जाना है तो जाओ। अरे तो मैं तो जा ही रहा था यार भाई, ये सोटी और पोपटलाल ने मुझे रोक लिया। हाँ। शांति रखो ना प्लीज। अरे मैं तो शांति हूँ मेहता साहब, शांति से घर जा रहा था, रिक्शा से उतर गया, खाना भी नहीं खाया फिर भी मैं सोडा पीने को तैयार हो गया। तो ये भीड़े बोल रहे उपकार कर रहे हो, ऐसे क्या बोल रहे हो कि सोडा पी लेते, यार भाई भी उल्टी सीधी बात कर रहे हैं। तो तुमने कैसे बोला अब्दुल को? हाँ भाई ला अब्दुल जा सोडा पी ला, तो मैं जाता हूँ घर पे, तो उपकार ही तो कर रहे हो ना। अरे उपकार क्या? एक मिनट भाई तुम फिर शुरू हो गए यार, भीड़े क्या कर रहे हो यार, शांति रखो ना शांति रखो। अब्दुल जल्दी से सोडा दे। जेठालाल सोडा नहीं पी रहे हो, अनमने से हो, क्या मूड खराब है क्या, क्या हुआ? हाँ जेठापरा क्या बताऊं मेहता साहब, ये दुकान की मगजमारी इतना थका देती है कि शाम तक तो दिमाग काम करना बंद हो जाता है। जेठालाल तुमको कैसा मगजमारी है, तुम तो दुकान का मालिक है, उसका सेठ है, मालिक को क्या काम होता है भाई? बाहर से ऐसा ही लगता है कि मालिक को कुछ काम नहीं होता है, लेकिन असली काम मालिक लोगों को ही होता है भाई। बरोबर है यार, असली काम तो मालिक लोगों को ही होता है, ये गिनने का। रहने दे भाई, भिड़े तू तो रहने ही दे, क्योंकि तेरा काम है ना मेरे काम से बिल्कुल अलग है, तो तू मेरी तकलीफ कभी समझ ही नहीं पाएगा। जेठालाल यहाँ जितने भी लोग बैठे हैं सबका काम एक दूसरे से बिल्कुल अलग है, जैसे मैं पत्रकार हूँ, अय्यर भाई साइंटिस्ट है,
सोडी का अपना गैरेज है, भिड़े शिक्षक है, मेहता साहब लेखक है, सबका काम एक दूसरे से अलग है। हाँ हाँ, लेकिन पोपटलाल जेठालाल को ऐसा लगता है कि पूरे दुनिया की काम की मगजमारी सिर्फ इसको ही है। जेठा प्रा, माना कि काम का टेंशन होता है, पर काम का टेंशन काम की जगह पर ही छोड़ के आने का। भाई छोटी, वो तो मैं भी समझता हूँ, और क्या है कि ये शिखामण देना बहुत आसान है। वो तो जो सेठ की कुर्सी पे बैठता है ना, उसको ही पता होता है कि रोज धंधे में कितनी मगजमारी होती है। जेठा, इसे बुरा मानने वाली बात नहीं है, लेकिन हर आदमी को अपने अपने काम में मगजमारी होती है। नहीं नहीं मेहता साहब, मेरे जितनी मगजमारी यहाँ जितने बैठे हैं ना, उसमें से किसी को नहीं है। कैसे? अभी ये सोडी, इसका गैराज है बराबर है, कोई आदमी आके इसके पास छोड़ गया गाड़ी रिपेयरिंग के लिए, तो वो बोलेगा दो दिन बाद आके लेके जाना। अभी दो दिन बाद वो आदमी आया, गाड़ी ठीक नहीं हुई है, सोडी बोल देगा भाई आज रेडी नहीं है गाड़ी, कल ले जाना। क्या मगजमारी? ये भीड़े बच्चे लोग को घर में ट्यूशन देता है, है? तो बाहर जाने की मगजमारी नहीं। सोसाइटी का काम करता है, वो भी सोसाइटी में ही। अगर बाहर गया भी तो ज्यादा से ज्यादा क्या, वो आचार पापड़ की डिलीवरी करने गए, वो भी अपने सखाराम पे। क्या मगजमारी? अभी आप ऑफिस जाते हैं, ऑफिस का काम करके शाम को घर वापस आ जाते, घर आके ना धोके बैठे शांति से कोई अच्छा विचार आया उसके ऊपर आर्टिकल लिख डाला। क्या मगजमारी? ए पोपटलाल, इसका तो काम सबसे आसान है, क्या रोज कोई ना कोई घटना तो घटती ही रहती है, बस वो घटने के ऊपर एक अच्छा सा निबंध बना के छपने के लिए दे देने का। क्या मगजमारी? अय्यर भाई साइनिस्ट है बराबर, अभी ये लोग एक चीज को लेकर संशोधन करने बैठ जाते हैं, अभी वो संशोधन होने में एक दिन लगे, दो महीना लगे, छह महीना लगे, छह साल लगे, कौन पूछने वाला है? अरे एक आइटम के पीछे पूरी जिंदगी निकल दे तो भी कोई पूछने वाला नहीं है। क्या मगज मारे इसमें बताओ? जबकि मेरा ऐसा नहीं है, हम व्यापारी लोगों को रोज की मगजमारी होती है। अभी दुकान में लाखों का माल हमने जमा करके रखा होता है, वो बिकेगा नहीं बिकेगा उसकी मगजमारी। कोई कस्टमर दुकान में आया तो वो माल खरीदे इसलिए उसको समझाने की मगजमारी। अच्छा माल खरीद के लेके गया तो न करे नारायण, और वो पीस अगर खराब निकला तो माल बदल के देने की मगजमारी। बरोबर। और दूसरा, आप लोगों की पगार के वो टैक्स कट होके ही मिलती है हाथ में, जबकि हम व्यापारी को ऐसा नहीं है ना भाई, पूरा हिसाब किताब सब देख के टैक्स भरना पड़ता है, और अगर उसमें जरा सी भी गलती हो गई तो फिर फाइन लगता है। पर टैक्स भरने की भी कोई मगजमारी नहीं है, लेकिन क्या है वो कोई टैक्स आया, अभी वो टैक्स क्यों है क्या है वो समझ के मगज में बिठाने की मगजमारी। अभी वो एक टैक्स के बारे में आप मुश्किल से समझे नहीं समझे, इतने में कल को कोई दूसरा टैक्स आ जाता है, अभी उसको समझने की मगजमारी। तो जो व्यापारी होता है ना, वो भाई उसको तो 2400 घंटे सर पे टेंशन का टोपला लेकर घूमना पड़ता है। ओ जयदलाल, तुमको क्या लगता है सिर्फ बिजनेसमैन ही काम करता है? अरे साइंटिस्ट को कितना सोचना पड़ता है, कितना रिसर्च करना पड़ता है, ये सब कुछ ऐसा हवा में नहीं हो जाता है। हाँ, और नहीं तो क्या? और तुमने बोला कि शिक्षक को काम ही क्या होता है, अरे एक शिक्षक बच्चों के भविष्य की नींव रखता है, एक शिक्षक का काम कितना महत्वपूर्ण होता है तुम नहीं समझ सकते। पर पत्रकार अपनी जान पर खेल कर समाचार लेकर आते हैं, भाई धूप हो सर्दी हो बारिश हो हर मौसम में काम करना पड़ता है, तुमको ये सब करना पड़ता है? छोड़ो, तुम लोग कभी नहीं समझ पाओगे मेरी मगजमारी। जयलाल, तुमको सुनाना बहुत अच्छा लगता है। नहीं, सुनना अच्छा नहीं लगता है। अरे भाई मुझे कुछ सुनाना नहीं और कुछ सुनना नहीं है, मैं जा रहा हूँ। यार आप लोग भी क्या करते हो यार, वो दुकान से थक हार के दिन भर का आया और आप लोग आर्गुमेंट करने लग गए उससे। आर्गुमेंट की शुरुआत उसने की मेहता साहब, मैंने नहीं। आदमी अपने दिल की बात कहाँ बोलेगा मुझे बताओ, दोस्तों के साथ ही तो दिल की बात बोल सकता है ना आदमी। तो अपने दिल की बात बोल रहा था वो। बोला जयदलाल का वकील।
अय्यर भाई इसमें वकील की बात नहीं है, मैं जैसा महसूस कर रहा हूँ वैसा कह रहा हूँ। उसकी जगह कोई और होता तो भी मैं यही कहता। क्या नतीजा निकला? वो बगैर सोडा पिए चला गया ना मूड खराब करके। पर यारो आपने गौर किया, आज जेठा बड़ा कुछ ज्यादा परेशान नहीं लग रहे? हो जाता है कभी कभी सोड़ी, अब वो व्यापार है, व्यापार में कुछ भी हो सकता है। और व्यापारी का जो मूड होता है ना वो उसके नफा और नुकसान पे निर्भर करता है। तो उसके नफे नुकसान के हिसाब से थोड़ी हम चलेंगे, कि उसको नफा हुआ तो अच्छे से बात करेगा, नुकसान हुआ तो अच्छे से बात नहीं करेगा। मैंने उन्हें लगता है कुछ तो लोचा है, कहीं ऐसा तो नहीं उनको बिजनेस में कोई नुकसान हुआ? अरे शुभ शुभ बोल सोड़ी, ऐसा कुछ नहीं हुआ, भगवान करे ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। अरे आज ज्यादा थकावा होगा इसलिए इस तरह से बात कर रहा होगा, सब कुछ ठीक हो जाए। हाँ यारो आज का दिन भी अच्छा है और कल का दिन भी सबके लिए अच्छा बीते, ये वाहिगुरु जी से अरदास है। नानक नाम चढ़ती कला तेरे पाने सरबत दा पला। चलो यारो अब्दुल मियां मेरे अकाउंट में लिख देना भाई। हाँ हाँ पोपट भाई। कम ऑन कम ऑन, जम जम जम, यस। टप्पू ये मोबाइल बेचारा बोल नहीं सकता इसलिए ऐसा करने का? क्या पापा? अभी मैं थक गया हूँ, मुझे सोना है, सोने दीजिए, ऐसा बेचारा बोल नहीं सकता है इसलिए उसके साथ खेलते ही रहने का। गुड वन पापा। है मतलब मस्त बोला। ए, मस्त बोला वाड़ी, मोबाइल बंद करो, सो जा चुपचाप। चिटिया क्या हुआ, क्यों डांट रहे टप्पू? डांटू नहीं तो क्या करूँ बापू जी, जब देखो तब मोबाइल पे खेलते ही रहता है। बेटा मैंने तुझे कितनी बार बोला है मोबाइल बात करने के लिए होता है, ऐसे पूरा दिन मोबाइल पे खेलते रहना अच्छी बात नहीं। जा जा कर सोए। दादाजी दादाजी बस दो मिनट हो गया। अरे तेरी दो मिनट कभी खत्म नहीं होती है पापा। लो बाबूजी। अरे पापा पीपा कुछ नहीं, जा जा कर सो जा। बराबर जा जा कर सो जा। ओके दादाजी। अच्छा दादाजी कल सुबह मुझे कॉलेज जल्दी जाना है तो आप मुझे जल्दी जगा देंगे? बोलो, जहाँ मोबाइल का इस्तेमाल करना चाहिए वहाँ नहीं करना इसे। अरे भाई मोबाइल में अलार्म है ना भाई, तो अलार्म रख देना, बापूजी को क्यों परेशान कर रहे है? पापा अलार्म का क्या है, हर 10-10 मिनट में स्नूज करके सो सकते हैं, लेकिन दादाजी जब तक मैं उठूंगा नहीं तब तक मुझे उठाते रहेंगे। और दादाजी इतने प्यार से उठाते ना कि पूरा दिन अच्छा जाता है। मुझे उठा लूंगा, जा जाके सो जा। बाय पापा, गुड नाइट। चल जेठा अब तू भी जाके सो जा, देर रात तक टीवी देखते मत बैठे रहना। क्या हुआ? क्या परेशान लग रहा है? नहीं ज्यादा कुछ नहीं, हुई वो दुकान के काम का टेंशन बापूजी, और कुछ नहीं। देखिए यार जब दुकान बढ़ाता है ना तो साथ में दुकान के काम का टेंशन भी बढ़ा के आया कर। शुभ रात्रि। शुभ रात्रि। आपकी बात बराबर है बापूजी, लेकिन पता नहीं आजकल मुझे क्या हो गया है, कुछ मजा नहीं आ रहा है। इस टेंशन को दूर करने के लिए कुछ करना पड़ेगा। मित्र चाचा जी ने बिल्कुल ठीक कहा, काम के टेंशन को घर नहीं लाना चाहिए, घर के तनाव को काम पर नहीं ले जाना चाहिए। बात छोटी लेकिन मर्म बहुत बड़ा। यदि आप काम के टेंशन को घर लेके आएंगे तो घर पर मन नहीं लगेगा, घर के तनाव को काम पर ले जाएंगे तो काम कैसे कर पाएंगे। हम सबकी यही स्थिति है जेठा की, आपकी हमारी, हम सब लोग एक ही कश्ती के सवार हैं। हम एक काम करके थक जाते हैं, ऊब जाते हैं, लेकिन काम करना बेहद आवश्यक है। यदि काम ही नहीं करेंगे तो जीवन कैसे चलेगा, जीवन थम जाएगा ना फिर तो। लेकिन अब देखना यह है कि जेठालाल की परेशानियों की जुगाड़ी है वो कहां जाके रुकती है। नटू काका और बागा इसमें ब्रेक लगाने का सोचते हैं लेकिन ब्रेक लगेगा नहीं, एक्सेलरेटर लगेगा और फिर ये गाड़ी दौड़ेगी नहीं उड़ेगी। और इस उड़ती हुई गाड़ी में आप जरूर सवार आइए, मैं आपका आमंत्रित करता हूं, आइए इस उड़ती गाड़ी में सवार होइए और हंसिए हंसाइए, बस देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा, देखते रहिए हंसते रहिए। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, click the show links and enjoy watching the videos.